सतसंगत जी, जिहड़ी साइंस दी एडवांसमेंट दे नाल अज साणू बड़ा फर्क पै गया और साढ़े कोल बड़ियां ऐसे रिसोर्स आ गए ने वी असीं बाणी जिहड़ी है अगे। मैनूं याद है जिस वेलै तैयारी करनी हुंदी सी तां महान कोश तों अक्खर एक एक लभणा जां होर गुरबाणी दे कुतुक लभणी तां उह काफ़ी समां लगदा सी। हुण सब कुछ कंप्यूटर ने सौखा करता काम। तो सौखा करन दा इह है कि नाल ही आपां हुण ठीक है सानूं जिथे एकदम चीज़ अवेलेबिलिटी है ते आपां शुरू करता भी पाठ जिहड़ा है उस अपने लैपटॉप तों कर सकदे हाँ, फोन तों कर सकदे हाँ, जिथों मर्जी कर सकदे हाँ। तो साडे कोल एक सवाल आया भी कि लैपटॉप तों सहज पाठ कीता जा सकदा है, ये किसी का सवाल आया। सवाल है सर गुरदयाल सिंह जी कैनेडा तो, उन्होंने सवाल है तो मैं पहले तो उन्हें क्षमा मंगदा कि उन्होंने सवाल पिछली बार भी पेंडिंग रह गया सीगा डिले हो गया है, तो मैं उन्होंने तो पहले तो क्षमा मंगदा तो मैं बेनती करता सर मनमोहन सिंह जी बिल्कुल आया जिहड़ा सहज पाठ है आप केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी तो कर सकते हो या लैपटॉप तो नहीं कर सकते, डिटेल जानना पाओ ताकि मनमोहन सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो वीर जी ने सवाल पढ़िया है कि सहज पाठ लैपटॉप तो किया जा सकता है, सो मैं अपनी तरफों जो बेनती करना चाहूंगा कि सानू कोशिश करनी चाहिए है जो भी असी गुरबाणी पढ़ीए, गुरबाणी असी ज्ञान अते आत्मक आनंद वास्ते पढ़ते हाँ। जो भी सतगुरु पातशाह की बाणी नू पढ़ना होवे तो पहला कोशिश करनी चाहिए है कि सानू धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच बैठ के गुरबाणी का जो आनंद है वह मानना चाहिए है। किसी थान के उत्ते किसी कारण जे कदे साडे कोल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश नहीं है, गुरुद्वारे साहब तो असं दूर हाँ, तो जे कदे साडे कोल सेंचियां अवेलेबल ने सेंचियां तो पाठ करना चाहिए है, गुटके तो पाठ करना चाहिए है। लेकिन कई बार जे कदे कोई ऐसे हालात बनते हैं जिथे साडे कोल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश नहीं है, सेंचियां अवेलेबल नहीं हैं या पोथी गुटका साहब साडे कोल नहीं है, ऐसे हालातों के अंदर जे कदे सानू किते जरूरत पै जाए पाठ करना है ते जे कदे लैपटॉप या मोबाइल तो पाठ करन दा सानू किते मौका लगता है या करन दा सानू मजबूरी बनती है तो उहदे विच कोई शंका नहीं करना चाहिए कि उस दे नाल सानू पाठ करन दे नाल कोई हर्ज है या साडे पाठ करन दा सानू फल नहीं लभेगा, क्योंकि पाठ असी आत्मक आनंद ते ज्ञान वास्ते करना है। गुरमत दी सोझी, गुरमत दा ज्ञान जो सतगुरां दा साडे वास्ते हुक्म है। मैं इस करके बेनती कर रहा हूँ कि जो असी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद च बैठते हाँ, ताबिया च बैठते हाँ या महाराज के हजूर बैठते हाँ, उस वेले एक रूहानी वातावरण वखरा जिहा बनता है, एक सांझ पैदा होती है कि असं बिल्कुल गुरु पातशाह की गोद का आनंद मान रहे हैं, सतगुरु पातशाह के कोल बैठे हुए हैं। लेकिन जे कदे मजबूरी बस ऐसे हालात बनते हैं तो वो शंका भी नहीं करनी चाहिए कि असं लैपटॉप तो पाठ किया है या मोबाइल तो पाठ किया है तो ये कोई माड़ी गल है, वो असं कर सकते हैं क्योंकि अज सिख बड़े दूर दुराडे इलाकों तक जो है पहुंचा हुआ है, कई थावां के उत्ते हालात अवेलेबल नहीं हैं, हालात भी ऐसे नहीं हैं या साडे कोल अवेलेबिलिटी नहीं है कि असी जो है सानू पोथियां या संचियां या धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश अवेलेबल हो, तो ऐसे हालातों के अंदर मजबूरी बन जाती है कि जिस गुरसिख ने बाणी पढ़नी है पाठ करना है तो वो लैपटॉप तो भी कर सकता है तो मोबाइल तो भी कर सकता है पाठ। बाकी जदों भी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सहज पाठ असी प्रारंभ करने ने तो वो पाठ प्रारंभता वेले ते समाप्ति वेले सानू ये धन गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे अरदास करके ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो ही आरंभता करनी चाहिए है ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो ही भोग पाने चाहिए हैं। ये साडे वास्ते कोई वड्डा नहीं होवेगा क्योंकि जिस भी शहर विच असीं रहिंदे होवांगे शहर दे विच किते ना किते अज दुनिया का कोई ऐसी थां नहीं जिथे सिख होवे ते उत्थे गुरु घर ना होवे। इन्नी गल जरूर हो सकती है कि असीं गुरु घर तो थोड़े दूर हो सकते हैं ते जिथे दूर हो सकते उत्थे रोज अगर असीं नहीं जा सकते, रोज असीं जाके पाठ ताबिया च बैठ के नहीं कर सकते, साडे कोल संचियां अवेलेबल नहीं हन या साडे कोल पोथियां नहीं हन, तो उहदे वास्ते असीं अगर जे कदे सानूं लैपटॉप या मोबाइल तो करना पवे तो कर सकते हैं। लेकिन एक गल का जरूर ध्यान रखा जाए कि पहल सानू देनी चाहिए है कि असी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोदी बैठ के पाठ करिए या संचियां तो करिए या पोथियां तो करिए। कारण बस जे कदे इहो जिहे हालात बनते हैं किसी दूजी थान तो करने पैंदे ने जिवें लैपटॉप या मोबाइल तो करने ने, अज्ज टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है वह भी असी कर सकते हैं, उसके हर्ज कोई नहीं। लेकिन जो पाठ की प्रारंभता है तो समाप्ति है वह हर हालत में
केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी तो ही की जानी चाहिए ते की जा सकती है। इन्नी को बेनती सी, आसा प्रवान करोगे, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह वीर जी ने दसिया के प्रारंभता ते समाप्ति वेले सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने हाजिर होना चाहिए। देखो साहब, मैं बेनती कर दिया भी इस क्वेश्चन ते भी कई सज्जन डिबेट करते हैं, पर मैं बेनती कर दिया भी एक उद्यम है, एक कंफर्ट जोन है, जिहड़ा काम असीं उद्यम करके करते हैं जब थोड़ियां सानू एफर्ट करनिया पैन उहदे साडा मन कुदरती गल है ज़्यादा जुड़दा। तो जे आपां कंफर्ट जोन च रहना, मैं कंफर्ट जोन लफ्ज़ इस लई वरत रहा कि असीं देखते हैं कि जिस वेले पाठ जे असीं गुटके तों भी करना होवे तां फिर असीं प्रॉपर बैठ के और अपने हाथ पैर सुचे करके या बैठ के आराम नाल करते हैं। पर जिस वेले आपां बहुती वारी देखिया गया भी जिहड़े फोन तो आप पाठ करते हो फिर जिदा मर्जी बंदे बहुता होंदा नहीं। सो जिहड़ा लफज वो पहले आप वरतिया ज्ञान के नाल भाव भावनी, वो जी भाव भावनी वो लियानी बड़ी जरूरी है। भाव भावनी नहीं होएगी केवल ज्ञान जिहड़ा वो ज्ञान ही ज्ञान है, तो ज्ञान जिहड़ा वो बंदे नू भटका भी सकता है। जिहड़ी भाव भावनी है वो मन में प्रेम पैदा होंदा है, तो भाव भावनी हर हाइले च बनानी। ये ठीक है कि पिछलिया समया तो हुण भी इत्थे साडे कैनेडा च अजे भी लॉकडाउन चल रहे ने, तो जिस वेले लॉकडाउन विच काफ़ी समस्या आ रही सीगी तां गुरद्वारा साहब वगैरह जाना जिहड़ी है वह भी औखा होया सीगा। हाँ, इहो जिहे समें जिहड़े ने इह कदी कदाई कोई मतलब आउंदे ने, कोई रोज़ दे नहीं हैगे। हाँ, ये ठीक है कि सिख मत दे विच कोई रिजिडिटी नहीं है, जे कितें बिल्कुल ही बंदा फसिया तो फिर कोई डिसीजन जिहड़ा लिया जा सकता है, वरना जे पॉसीबल होवे। हालांकि लॉकडाउन च असी बाकी जिहड़े रोज़मर्रा के काम ने साडे बंद नहीं होए, भावें थोड़े औखे होए पर करते रहे, ना खाना बंद होया तो ना पहनना बंद होया, जो मर्जी होया। सो इस तरह जिहड़ा लॉकडाउन भी जिवें है इहदे विच भी जे आपां सोचिए कि यह काम हट जाना है, ये नहीं है। ये ठीक है कि आपां पाठ लैपटॉप तो कर लिया, पर समाप्ति लई सानू गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हाजिर होना चाहिए। मैं फिर बेनती कर रहा भी कोई एक्सट्रीम सरकमस्टांस होवे उन्हें छड़ के, जे पॉसीबल होवे तो सानू जरूर जाना चाहिए। केवल ऐसा असी रिवाज ना बना लीए भी चलो ठीक है जी, क्योंकि जिन्हें सवाल किया उन्होंने भी यह डिस्कशन हुई सी भाई आप जे जिहड़ा रोज़ाना हुक्म है वो असी उतों लै सकते हैं तो इतने भी हुक्म लैके किया जा सकता है। पर मेरी बेनती यही है कि आप एक ट्रैडिशन और तुम जिस देखो सिख रहत मर्यादा च भी पाठ प्रारंभ करने की जी विधि दसी है वो मुताबिक ही सानू गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हाजिर होना चाहिए। तो इस करके हाजिर जरूर होना चाहिए समाप्ति वेले। तो हाँ, जेकर सतगुरु कृपा कर जिन्हों के घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है वो तो फिर उतों ही करना ज़्यादा चंगी गल है, करना चाहिए। जे वीर जी ने दस ही दिता है नहीं तो फिर आप संचिया तो कर सकते हैं। तो तीसरी जी प्रायोरिटी है, मतलब जी प्रायोरिटी है वो सानू टॉप प्रायोरिटी जी गुरु ग्रंथ साहिब जी देनी चाहिए। तो वीर मनमोहन सिंह जी आप जी का धन्यवाद है, और मैं आस करदा भी संगत ये जरा क्योंकि यह सवाल जरा अजकल आम किया जाता है तो ये बारे सानू होर भी विचार आ सकते हैं, संगत को विचार आएगा तो आप वेलकम करते हैं उन्होंने, फिर आप अगली बार डिस्कस कर सकते हैं जी।